वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कंसेप्ट फॉर्मेशन, संप्रत्यय निर्माण। किस तरह से हम किन्हीं वस्तुओं को देख के उसकी गुण और विशेषताओं को देखते हुए हम कंसेप्ट फॉर्मेशन करते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन होता क्या है। सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, फिर इसकी नेचर और इम्पोर्टेंस के बारे में कि हमारे संप्रत्यय निर्माण की क्या प्रकृति है, हमारी क्या इसकी महत्वता है, और मेनली जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस डालते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन के टाइम, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं कि जब हम संप्रत्यय निर्माण करते हैं तो उस समय उनका इफेक्ट पड़ता है हमारी सोच के ऊपर, कंसेप्ट बनाने के ऊपर। इन सब के बारे में आज हम इस क्वेश्चन के अंदर जानेंगे। देखिए, संप्रत्यय निर्माण जो है हमें अपने ज्ञान को व्यवस्थित या संगठित करने में सहायता करता है, जिससे कि जब भी हम अपने ज्ञान के उपयोग की आवश्यकता पड़े तो हम इसे कम समय में एवं प्रयास में कर सकें। मतलब क्या है, जैसे हम किसी भी चीज के बारे में जान रहे हैं, जो आसपास हमें वातावरण से हमें नॉलेज मिल रही है, काफी तरह के हमें चीजों का पता लगता है, हम उनके बारे में जानते हैं, तो हर एक को अलग 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 को हम ध्यान नहीं रख सकते, और जरूरत पड़ने पे बारी बारी सोचने से अच्छा ये होता है कि जिन वस्तुओं का एक तरह की विशेषताएं हैं, सेम मिलते जुलते गुण है, तो उनको हम संगठित या व्यवस्थित कर लेते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड उनका एक कंसेप्ट बना लेते हैं। तो और क्या होता है कि जब ऐसे ज्ञान की आवश्यकता होती है तो हम इसे बहुत ही कम समय और प्रयास में हम इसे कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का हुआ, जैसे हम अपने घर में सामान को व्यवस्थित करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, हर चीज, जैसे एक पर्सन के कपड़े एक तरफ, दूसरे के कि हाँ ये इसके इस तरफ कपड़े पड़े हैं, यहाँ जो और जरूरत का सामान है यहाँ पे वो पड़े हैं, एक जगह बुक कॉपी पेंसिल वो सब पड़ा है, कि जैसे अलमारी के अंदर ये अलमारी है, बच्चों की जो स्टेशनरी का सामान है उस सामान का रखने की है, किचन में किचन आइटम्स हम उसमें सेट करके रखेंगे, यहाँ पे दालें रखी हुई है, यहाँ पे मसाले हैं, तो वो एक हमने सेटिंग कर दिया। अब मसाला एक वर्ड तो है मसाला, लेकिन उसके अंदर जैसे सारी चीजें हमारी नमक मिर्च हल्दी इस तरह से हो गया, तो वो एक अपने कंसेप्ट बना लिया कि ये मसाला है। इसी तरह से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको इस तरह का उसका एक कंसेप्ट बना लेना, नाम दे देना ही हमारे लिए संप्रत्यय निर्माण है, कंसेप्ट फॉर्मेशन है। और इससे क्या है, हम अपने विचार या चिंतन प्रक्रिया को तीव्र और दक्ष बनाने के लिए संप्रत्यय निर्माण करते हैं, कि जो हमारी सोचने समझने की प्रक्रिया है, जो चिंतन प्रक्रिया है, वो तीव्र हो, दक्ष हो, और हम अपनी घटनाएं जो हमारे सामने घट रही हैं, जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, उसे हम वर्गीकृत करते हैं। तो क्या इसका अर्थ हुआ, क्या हमारा मीनिंग है कंसेप्ट का। संप्रत्यय एक श्रेणी है जिसका उपयोग अनेक वस्तुओं और घटनाओं के लिए किया जाता है। पशु, फल और भीड़ संप्रत्यय श्रेणियों के उदाहरण हैं। जैसे अब अनेक वस्तु हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमने नाम एक दे दिया, पशु है। अब पशु बोलते हैं, नेचुरली जितने भी तरह के पशु हैं पशु वर्ड के अंदर आ गए हैं, कि हमने डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम पशुओं से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो सकते हैं। फल है, भीड़ है, मतलब एक बहुत सारी चीजों को हमने नाम दे दिया है। तो अब संप्रत्यय और श्रेणी जो होगी हमारी कंसेप्ट और कैटेगरी है, ये दोनों एक दूसरे के बदले में प्रयुक्त हो सकते हैं। संप्रत्यय की व्याख्या जो है हम विशेषताओं या गुणों के समूह के रूप में करती है, जिसमें कोई ना कोई नियम जुड़ा हुआ होता है। संप्रत्यय के भार में वो वस्तुएं, व्यवहार या घटनाएं आती है जिसमें समान विशेषताएं होंगी, मतलब एक तरह से जिनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो इस ग्रुप में आएंगी। और विशेषताएं क्या होती है, विशेषता वस्तु या घटना या जीवित प्राणी का ऐसा गुण या पहलू है जो उसमें पाया गया दूसरे भिन्न वस्तुओं में पाई गई या विभेद की गई कुछ विशेषताओं के तुल्य समझा जाए। मतलब क्या है, जो ये विशेषता है किसी भी वस्तु का, घटना का, जीवन का, ऐसा पहलू है जो उसमें पाया गया है लेकिन दूसरी वाली विशेषताओं से वो अलग है या सेम है, जो हम कैटेगरी बना रहे हैं किस तरह की विशेषताओं वाली हम एक कैटेगरी बनाते हैं, उसको सेम हम करते हैं, वो चीज इसके अंदर देखते हैं। और ये जो विशेषताएं हैं ये अनगिनत प्रकार की हो सकती है, काफी सारी इसकी टाइप्स होती है, और उनमें विभेदनीयता, डिस्क्रिमिनेटरी एबिलिटी किस तरह की होती है, जो ऑब्जर्वर है उसकी खुद की डिग्री ऑफ परसेप्चुअल सेंसिटिविटी किस तरह की है, वो चीज हम इसके अंदर देखते हैं। जो ऑब्जर्व करने वाला पर्सन है वो उन वस्तुओं को किस तरह से उसमें उसे सेंसेशन हो रही है और फिर उसे परसेप्शन की कैटेगरी में ला रहा है, क्या उस वस्तु के बारे में वो सोच रहा है, क्या डिग्री है ऑब्जर्वर की परसेप्चुअल सेंसिटिविटी की, ये उस पर डिपेंड करता है। रंग है,
आकार है, संख्या है, आकृति, चिकनापन, खुजरापन, किस तरह का मतलब ये क्या है, हमारी विशेषता है उस वस्तु की कि वो किस तरह की है, वो चीज हम देखेंगे और उसके गुणों के आधार पर, फीचर्स के आधार पर हम उसको अलग करेंगे। जैसे जो ज्यादा सॉफ्ट है उनको एक कैटेगरी में, जो ज्यादा हार्ड है ऑब्जेक्ट उनको अलग कैटेगरी में, तो इन विशेषताओं के आधार पर अलग अलग करके हम ये ग्रुप बनाते चले जाते हैं। अब जो संप्रत्यय चिंतन है, थिंकिंग जो है, ये भी जो है संप्रत्यय चिंतन का एक बहुत ही अभिन्न, बहुत ही आवश्यक अंग माना गया है। संप्रत्यय हमारे चिंतन को निर्देशित करते हैं, उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। देखिए चिंतन है, हम हर विषय से, हम हर चीज से रिलेटेड जो है उसके अंदर थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। कोई भी वस्तु घटना हमने देखी तो उसके बारे में हम सोचते हैं, और इस सोचने को, इस थिंकिंग प्रोसेस को जो ये कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो गाइड करता है। यदि संप्रत्यय स्पष्ट होगा, जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने क्लियर होगा, तो हमारा चिंतन भी स्पष्ट होगा और हमारा वो उपयुक्त रहेगा, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में जब उसकी आवश्यकता पड़े हम उसे यूज कर सके। संप्रत्यय सामान्यकृत अर्थ होता है जिसका संबंध एक पदार्थ से होता है, मतलब ऐसा संप्रत्यय क्या हुआ, किसी भी वस्तु से जो रिलेटेड होता है, किसी वस्तु से वो अटैच होता है, वो एक हमारा ऑब्जेक्ट है। संप्रत्यय क्या है, हमारे अनुभवों का परिणाम है, जो हमें एक्सपीरियंस हुआ, जो चीजें हमने देखी उसका रिजल्ट ही हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन है। कुर्सियां हैं, गायें हैं, तो अब नेचुरली बात है हमें सामान्य से गुण के मिलते जुलते गुण हमें पता है कि हाँ इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, उनके बारे में एक विचार बना लेते हैं। इस प्रकार हमारे मन में पदार्थों की सामान्य आकृतियां जो है वो एक इमेज बन जाती है। एक बार बच्चों को सिखा दिया ये गाय है, ये बैल है, इस तरह से, तो वो मिलती जुलती उसको जब भी वैसी कोई उस तरह की दिखेगी तो वो पहचान जाएंगे, हाँ ये गाय है जिसके बारे में हमने देखा था, सुना था। ये नहीं कि हर बार अलग उसे समझाया जाए, बताया जाए, तो इस तरह से जो एक नाम देके सिखा दिया जाता है वो कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे कंसेप्ट फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब जब कंसेप्ट फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय कौन से फैक्टर उनके माइंड पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो प्रभावित करने वाला कारक है वो मैच्योरेशन, परिपक्वता है। मैच्योरिटी कितनी है बच्चे के अंदर सीखने के टाइम, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हालांकि ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब ये नहीं है कि हमें पता है बच्चे, लेकिन बच्चे की आयु किस तरह की है और वो कितनी चीजों के बारे में सीख सकता है, समझ सकता है, उसकी विशेषताओं को जान को समझ सकता है, वही चीज है कि अगर हम उसकी मानसिक परिपक्वता के अकॉर्डिंग उसको हम पढ़ाएंगे तो वो ठीक से और जल्दी समझेगा। और यदि उसकी आयु के अनुसार नहीं है, मतलब जिस एज का वो है उससे ज्यादा की हम उसे वस्तुएं सिखाएंगे, उससे उम्मीद करेंगे कि वो ज्यादा जल्दी समझ ले, तो उसके कंसेप्ट फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी और ऐसे उद्दीपकों को वो समझने में असमर्थ होगा, समझ नहीं पाएगा। सीखने के अवसर और सामाजिक वातावरण, इन चीज का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि एक बच्चे को सीखने के अवसर कितने मिल रहे हैं, किसी के ऊपर और काम भी इतने हैं, और ही प्रेशर इतना है घर का कि पढ़ने का उसे समय ही नहीं मिल रहा, तो वो सीख कैसे पाएगा। तो इसीलिए सीखने के अवसर और वो किस वातावरण में रहता है, आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वो उसके अंदर समस्या समाधान जो ये सारी चीजें आई, तो इसके अंदर हम कौन कौन सी बातें देख सकते हैं कि छात्रों के समक्ष समस्या किस प्रकार से रखी जाए जिसमें उन्हें उत्प्रेरणा हो, मतलब जिस चीज का हमने बच्चों को सिखाना है वो प्रेजेंट ही हम इस तरह से करें कि बच्चे प्रेरित हो उसको सीखने के लिए, समझने के लिए। अनुमानित हल की खोज करना और मूल्यांकन और निष्कर्ष, कि वो खुद से कोशिश करें कि कोई ना कोई हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम दें, और साथ साथ उसके मूल्यांकन तक निष्कर्ष, मूल्यांकन भी करें कि क्या हमने ठीक किया है, और उसके निष्कर्ष पे भी पहुंचे। तो इस तरह से प्रॉब्लम अगर बच्चे के सामने इस तरह से रखेंगे कि वो उसे मोटिवेट हो रहे हैं, तो रिजल्ट तक, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन तक जरूर पहुंचेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, ज्ञानात्मक विकास पर पर्यावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारा ज्ञानात्मक बच्चे का जो ज्ञान बढ़ रहा है उसके ऊपर किस तरह का पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए हमारे एनवायरमेंट का, जिस माहौल में हम रहते हैं उसका हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर हमेशा ही इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। बहुत आवश्यक है कि वातावरण जो है बच्चों के अनुकूल हो, माता पिता और अध्यापक जो है बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान करते रहे कि बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती रहे। अनुकूल वातावरण होगा, बच्चा सेटिस्फाइड रहेगा, तभी ठीक से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, काम कर पाएगा।
विद्यालयों में भी बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि जो वो ऐसी समस्याएं जो है वो उनके सामने प्रेजेंट की जाए तो वो उनका अभ्यास करके उनका सोल्यूशन निकाल सके और समस्याएं ऐसी हो जो सूझबूझ और साहस की मांग करें। मतलब बच्चे को ऐसे जैसे बोलते ना कि पकी पकाई खीर भाई बच्चे को चाहिए, ऐसा नहीं, उसे कोशिश करनी चाहिए, सिखानी चाहिए कि बच्चा खुद से सोल्यूशन तक पहुंचे। हर समय हमें स्पून फीडिंग नहीं करवानी है कि हर चीज बच्चे को बनी बनाई सिखा दो, डायरेक्ट समझा दिया, ऐसा नहीं। सूझबूझ वाली समस्याएं हो जिसमें वो चिंतन कर सके, सोल्यूशन दे सके। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे अगर हमें सही से हमारे तक बातें पहुंचेंगी, चीजें हम देखेंगे, तभी हम ठीक से उनका कंसेप्ट बना पाएंगे। अगर ज्ञानेंद्रियां ही दोषपूर्ण होंगी तो बच्चे को जो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण है नेचुरली बात है वो अपने आप दोषपूर्ण होगा। उदाहरण क्या है, यदि बच्चे को कम सुनाई देता है, वो ठीक से सुन ही नहीं पा रहा है, तो वो बात समझी नहीं, तो वो सोल्यूशन उसका कैसे ठीक से करेगा। तो मतलब जो हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनसे ये बिल्कुल ठीक होंगे तो हमें अनुभूति सही होगी, हम रिजल्ट सही दे पाएंगे। तो इस तरह से सेंस ऑर्गन्स का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कंसेप्ट फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमताएं। बौद्धिक क्षमताएं जो है बालक की बुद्धि, तर्क, चिंतन करना, ये जो सब योग्यताओं का विकास है सामान्य ढंग से बच्चे का हो रहा है, तभी बच्चे जो उसके वातावरण में चारों ओर जो उसका ज्ञान है उसको सही रूप से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये जो सारी उसकी योग्यताएं हैं बुद्धि, तर्क, चिंतन करना, ये सही से अगर नहीं बच्चे की विकसित हुई है तो बच्चा परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा और ये बौद्धिक क्षमताएं जो है संपर्क निर्माण में इफेक्ट डालती ही डालती है। बच्चे की समझ ही विकसित नहीं हुई है, बच्चा कल्पना ही नहीं कर पा रहा तो कंसेप्ट फॉर्मेशन कैसे करेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर रीजनिंग, तर्क करना। संप्रज्ञा निर्माण तर्क से प्रभावित होता ही होता है। कोई चीज हमें ठीक नहीं लग रही है तो नेचुरली बात है हम आर्गुमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड अपने विचार रखेंगे, तो तर्क करने की क्षमता भी बच्चे के अंदर उस स्तर की होनी चाहिए ताकि वो अपने विचारों को सही एक व्यवस्थित रूप देके संबंधित से करके उनको कोई ना कोई सोल्यूशन दे और जो भी कुछ नियम और सिद्धांत के आधार पर दी गई सामग्री है उसका विश्लेषण करे, विवेचन करे, कुछ परिणाम निकाले, तभी समस्या का निराकरण कर सकता है। मतलब बच्चे में तर्क करने की शक्ति होगी तो वो सही से किसी चीज को समझ पाएगा, सीख पाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है चिंतन, थिंकिंग। अब ये जो संप्रज्ञा निर्माण है नेचुरली है कि चिंतन के द्वारा प्रभावित होगा ही होगा। ये बच्चे की सोच के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है किसी चीज के बारे में। चिंतन जो है ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति दोनों पर ही निर्भर करती है और प्रत्यय और सिद्धांत हमारे चिंतन का संचालन करते हैं। चिंतन में वस्तुओं का विश्लेषण होता ही होता है, चिंतन निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि करता है। मतलब जिस तरह की हमारी सोच होगी उतना ही हम अच्छे से सोच पाएंगे, कंसेप्ट फॉर्मेशन कर पाएंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे हम। तो इससे क्या है, निरीक्षण के क्षेत्र में वृद्धि होगी ही होगी। तो इस तरह से ये बात है कि गहरे चिंतन के लिए आवश्यक है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर इन वस्तुओं का संबंध जिनके विषय में हम चिंतन कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो कि हम किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, विचारधाराएं हो और हमें प्रयोग में आने वाले शब्दों की भाषा का ज्ञान हो। पूर्ण और सही प्रत्यय के बिना चिंतन संभव नहीं होता। पूर्ण और सही प्रत्यय क्या है कि जब हमने कोई कंसेप्ट फॉर्मेशन किया है वो पूर्ण होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी वो आगे आने वाले समय में हमारा काम आएगा। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो नॉलेज हुई वो आगे हमारे समय को बचाए, हमें सही आंसर दे, तो वो तभी होगी जब वो कंसेप्ट फॉर्मेशन सही रूप से होगा। इन सब का बातों का ध्यान में रखते हुए बच्चों के चिंतन को हम सही रूप में ले जाएंगे, किस तरह से बच्चे ने कैसे सोचना है, कैसे कंसेप्ट फॉर्मेशन करना है। अगर हम ये स्टार्टिंग की एज में जब बच्चे सीखना समझना शुरू करते हैं तब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे ठीक से हर वस्तु को चीज को समझ पाएंगे और कंसेप्ट फॉर्मेशन उनकी अच्छी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।